कोरोना और इस बीच आने वाले त्योहारों को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई। इस बैठक में तय किया गया है कि 15 नवंबर तक सभी प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया जाएगा, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं आने वाले दिनों में होने वाले पूजा त्योहारों में लगने वाली भीड़, पूजा पंडाल और जुलूस को लेकर जिला प्रशासन ने अनुमति लेनी पड़ेगी। अनलॉक 7 के लिए नई गाइडलाइन जारी। 15 नवंबर तक खुलेंगे सभी प्राइमरी स्कूल। पंडाल जुलूस के लिए डीएम देंगे अनुमति। अनलॉक 6 के खत्म होने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक 7 को लेकर कई अहम फैसले किए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि छोटे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अब खोले जाएंगे। बिहार में नर्सरी स्कूल को खोलने की परमिशन दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज अहम बैठक हुई है। मुख्य सचिव, गृह, अपर मुख्य सचिव, तमाम जो अधिकारी हैं, सभी विभाग के अधिकारी हैं, वो मौजूद रहे और DGP वगैरह भी मौजूद रहे। उसी बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जितने जो स्कूल हैं LKG, UKG, नर्सरी, तमाम स्कूलों को खोल दिया जाएगा। 15 नवंबर से यह लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आंगनबाड़ी जो केंद्र है वो कई महीनों से जो बंद थे वो भी खोल दिए गए हैं। इस बैठक में तय किया गया है कि बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूलों को खोला जाएगा। 15 नवंबर तक सभी छोटे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र खोल दिए जाएंगे। हालांकि ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई की व्यवस्था भी जारी रहेगी। सभी कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। सभी धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना होगा। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। क्लब, जिम और स्विमिंग पूल भी खुलेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100% के उपयोग की अनुमति रहेगी। वहीं आने वाले दिनों में होने वाले पूजा त्योहारों में लगने वाली भीड़, पूजा पंडाल, जुलूस को लेकर जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यानी राज्य सरकार ने आने वाली चुनौती को देखते हुए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार में अनलॉक 6 की मियाद 25 सितंबर को पूरी हो रही है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के साथ सभी जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया और शुक्रवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की। इसके बाद नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसे 15 नवंबर तक के लिए जारी किया गया है। यदि आप दशहरा पूजा देखने आ रहे हैं तो वहाँ पर भी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाएगा, यानी कह लीजिए कि वैक्सीनेशन को गति देने के लिए मेला का भी प्रयोग किया जा रहा है। कैमरामैन सिंधु के साथ 90